भारत में अब तक कोरोना के 11,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और तेजी से ये बढ़ रहे हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के नए टास्क का इंतजार कर रहे थे, पर उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। 14 अप्रैल को जब पूरा देश लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधन किया और लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की बात कही। विश्व भर में हेल्थ एक्सपर्ट्स को और सरकारों को और ज्यादा सतर्क कर दिया है। भारत में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े, हर किसी का यही सुझाव आता है। नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। आपको बता दें कि देश में कुछ राज्य लॉकडाउन को पहले ही बढ़ा चुके हैं। इसी के साथ ही मोदी जी लॉकडाउन को राज्यों से धीरे धीरे हटाने की बात भी कही और किस आधार पर लॉकडाउन खत्म होगा इसके बारे में भी उन्होंने बताया। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है, तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी। और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है। मजदूर भी लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, पर प्रधानमंत्री के आदेश के बाद मुंबई और गुजरात के सूरत में मजदूर इकट्ठा होने शुरू हुए। सरकार बाद में स्थिति को नियंत्रण में तो ले आई, लेकिन इतने सारे लोगों को सड़क पर आने से कोरोना फैलने का खतरा और भी बढ़ गया है। इस पर सियासत भी हुई। गुजरात में तो बीजेपी सरकार है, पर मुंबई में शिवसेना सरकार। शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने मजदूरों के इकट्ठे होने का दोष केंद्र सरकार पर डाल दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि महाराष्ट्र में 6 लाख लोग शेल्टर्स में रह रहे हैं। केंद्र सरकार के सामने मामला रखा गया था कि इन लोगों को घरों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। इनके पास खाना नहीं है और वे घर जाना चाहते हैं। बांद्रा में इकट्ठे हुए लोग अब वापस तो चले गए हैं, लेकिन ये स्थिति इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। कांग्रेस ने भी मोदी जी के भाषण पर कुछ सवाल खड़े किए थे, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये तो बता दिया कि लोगों को देश के लिए क्या करने है, पर प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बताया
कि सरकार देशवासियों के लिए क्या कर रही है। लॉकडाउन के दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य कि इस बीमारी को फैलने से रोका जाए, और दूसरा कि सरकार को और जो प्रशासन है और जो सारा सरकारी तंत्र है, चिकित्सा तंत्र है, उसको समय मिल जाए कि अपने आप को वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त कर ले। ये दो उद्देश्य रहते हैं लॉकडाउन के। तो इसलिए पिछले 21 दिन में अगर सबसे कोई भयानक तस्वीर उभर के आई, वो तस्वीर थी कि हमारे शहरों में जो लोग गांव से आके काम करते थे, जिनको हम माइग्रेंट्स कह देते हैं, पर वो हमारे देशवासी हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, हमारे शहरों को चलाने के लिए अपना घर बार छोड़ के शहर आते हैं, वो जब लाखों की तादाद में वापस जाने लगे और उनको प्रदेशों की सरहदों पे रोका गया, क्वारंटाइन किया गया, कैंपों में रखा गया है, तो जिन लोगों के 14 दिन पूरे हो गए, तो उन सबके जो मैंडेटरी क्वारंटाइन है 14 दिन की, वो पूरी हो चुकी है। आप क्या व्यवस्था करेंगे उनको अपने घर वापस पहुंचाने के लिए? जो लोग पॉजिटिव नहीं, क्या आप उन लोगों को स्क्रीन करके ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि वो अपने घर वापस जा सकें? मोदी जी ने अपने भाषण में एक और गौर करने वाली चीज बताई। उन्होंने कहा कि जब देश में पहला केस आया था, तब से ही हम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जब हमारे यहां कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे, उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था। अनेक जगहों पर, मॉल हो, थिएटर हो, क्लब हो, जिम हो, बंद करिए जा चुके थे। अब आपको बता दें कि देश में पहला केस 30 जनवरी को केरला में आया था। इसी दौरान कोरोना वायरस चाइना और दुनिया भर में तेजी से फैल रहा था और बाकी देशों में भी इसके संक्रमण दिखने शुरू हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद 24 फरवरी को यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे और उनके स्वागत के लिए अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा इवेंट भी हुआ था, नमस्ते ट्रंप के नाम से। इस इवेंट में भी भारी मात्रा में देश और विदेश के लोग इकट्ठे हुए थे, तब उनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं की गई। अगर बात करें तबलीगी जमात में इकट्ठे हुए लोगों की, तो विदेशों से आने वाले लोग मार्च के महीने में ही तबलीगी जमात के लिए दूसरे देशों से इंडिया आए थे, तो उनकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं की गई? मोदी जी ने अपने भाषण में नौकरियों को लेकर भी कहा कि कोई भी किसी को भी उनकी नौकरी से ना निकाले और उनकी सैलरी देते रहे। आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखे, किसी को नौकरी से न निकाले। मोदी जी की हर वक्त तारीफ करने वाला मीडिया, जो मोदी जी की हर बात का पालन करता है, वह इस लॉकडाउन के चलते अपने एम्प्लॉइज को निकाल रहा है। हालांकि पीएम ने अपने भाषण में ऐसा करने से मना किया है। कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी ने प्रकाश जावड़ेकर को खत लिखा और मीडिया में लगातार जा रही जॉब्स पर कोई एक्शन लेने को कहा। इस पर वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने भी अधिक जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। दो अखबार, जी हाँ, दो अखबार हैं, उन्होंने अपने स्टाफ से कहा है कि आपकी सैलरी, आपकी तनख्वाह कम की जाएगी। एक मैगजीन ने अपना प्रिंट पब्लिकेशन बंद कर दिया है। एक न्यूज चैनल ने, एक हिंदी न्यूज चैनल ने अपने 16 वेब एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। यही नहीं, एक बहुत बड़े अखबार ने अपने संडे मैगजीन को बंद कर दिया है। सबसे बड़ा जो मीडिया हाउस है, उसने अपने 46 रिपोर्टर्स, 6 कैमरामैन, 17 प्रोड्यूसर्स को बाहर करने का फैसला किया है। एक और अखबार है, उजाले का जिक्र अक्सर वो करता है, उसने अपने एम्प्लॉइज की 50% सैलरी कम कर दी है।
मीडिया ने हर बार की तरह मोदी के भाषण को एक इवेंट की तरह पेश किया। मीडिया ने ये तक विश्लेषण किया कि मोदी जी ने अपने भाषण देते हुए कितनी बार हाथ जोड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने रखा कि हम समझ रहे हैं आर्थिक दृष्टि से ये लॉकडाउन का फैसला बहुत महंगा है, लेकिन जब बात देश के नागरिकों की जिंदगी की आती है तो फिर उसके आगे इसकी कीमत कुछ भी नहीं। ये देखिए ना, ये 7 बार देश को जब संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन्होंने हाथ जोड़े। वो बार बार देश से यही कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आपको खाने पीने की परेशानी है, मैं समझ रहा हूं आपको आने जाने की दिक्कत है, लेकिन आप समझिए ये कोरोना काल संकट काल है, ये महामारी दुनिया के सामने है, ऐसे में इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है। मीडिया ने इसका भी विश्लेषण किया कि मोदी जी ने 3 मई ही क्यों चुना। तमाम बड़े मीडिया एंकर्स ने एक ही तरह का ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि 1 मई इज अ पब्लिक हॉलीडे, 2 मई सैटरडे, 3 मई इज अ संडे, होपफुली 4 मई मंडे विल ब्रिंग न्यू डॉन फॉर इंडिया। अंत में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सरकार देश की जनता की समस्या का जल्द से जल्द कोई हल निकालेगी और आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए तेजी से प्रयास शुरू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।